अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ सईद अब्बास ज़ैदी और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर हमारे पास दो बेसिक मॉडल्स आते हैं। सबसे पहला मॉडल है जिसको हम पीटर शैन मॉडल कहते हैं, शैन मॉडल के नाम से जाना जाता है। पीटर शैन एक साइंटिस्ट था जिसने मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था। और सेकेंड मॉडल हमारे पास होता है क्रोसफुट मॉडल। क्रोसफुट और पीटर शैन मॉडल दोनों के अंदर डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से पीटर शैन मॉडल अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हम लोग इस टाइम पे जो है वो क्रोसफुट मॉडल को जो है वो प्रेफर करते हैं और उसी को ही यूज़ किया जाता है। मे बी हो सकता है पीटर शैन मॉडल भी कहीं पर यूज़ होता हो। पीटर शैन मॉडल में और क्रोसफुट मॉडल के अंदर डिफरेंस क्या था? पीटर शैन ने मॉडल दिया था 1976 के अंदर, तो उसने इस मॉडल के अंदर कहा था कि हम लोग क्या करेंगे। ये एक बेसिकली सिंबॉलिक डायग्राम थी, पीटर शैन ने जो दी थी सिंबॉलिक डायग्राम थी अपने डेटा की एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप शो करने के लिए, अपने डेटा के दरमियान रिलेशनशिप शो करवाने के लिए। ये उसने एक यानी कि एक लॉजिकल डायग्राम दी थी कि लॉजिक शो करवाने के लिए। इसमें होता क्या था, पीटर शैन ने कहा कि हमारी जो एंटिटी होगी उसको हम एक स्क्वायर बॉक्स में शो कराएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी एक एंटिटी है, एंटिटी से मुराद मेरा टेबल। हम एक टेबल के नाम को एक बॉक्स में शो कराएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा टेबल है एम्प्लॉय का। उसने कहा आप इस एंटिटी को ऐसे शो कराएंगे और उसके बाद जो इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स को हम लाइन से एक सर्कल बना देंगे ऊपर ओवल, और ओवल में इसके हम एट्रीब्यूट्स को शो करा देंगे कुछ इस तरीके से। जो जो इसके एट्रीब्यूट्स होंगे वो हम इस तरह से शो कराते जाएंगे, जैसे ई नेम, जॉब, सैलरी। इसने कहा इस तरीके से हम लोग जो है इसको शो कराएंगे। दूसरी चीज़, पीटर शैन ने क्या कही हमारे पास, पीटर शैन ने कहा कि जो हमारी इस टेबल के अंदर प्राइमरी की होगी उस प्राइमरी की को हम अंडरलाइन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी सैलरी अगर प्राइमरी की है तो मैं सैलरी को अंडरलाइन कर दूंगा इस तरीके से। यानी कि सबसे पहले एंटिटी का नाम शो कराएंगे हम, नाम के बाद हम लोग एट्रीब्यूट्स को ओवल शेप के अंदर शो करा देंगे। ओवल शेप में शो कराने के बाद उसके बाद हम जो हमारी प्राइमरी की होगी उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने के बाद उससे पीटर शैन ने एक और चीज़ कही, उसने कहा जो हमारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होंगे, ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनके अंदर मल्टी वैल्यूड, यानी मल्टी वैल्यूड से मुराद एक एट्रीब्यूट के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज होंगी उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एट्रीब्यूट है सैलरी का, सैलरी के अंदर दो से तीन सैलरीज हमने लिखी हुई हैं, 5,000, 6,000, 7,000। तो जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होंगे, उसने कहा उन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को हम डबल लाइन से शो कर देंगे, डबल लाइन से शो करा देंगे हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को। इसके बकौल ये हमारा इस तरीके का एक मॉडल बन जाएगा। क्रोसफुट ने क्या मॉडल दिया? क्रोसफुट ने कहा अपने मॉडल के अंदर कि हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम तीन बॉक्सेस बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये हमारा सेकंड बॉक्स हो गया और ये हमारा थर्ड बॉक्स हो गया। इस तरीके से हम तीन बॉक्सेस बनाएंगे। सबसे ऊपर वाले बॉक्स में हम एंटिटी का नाम लिखेंगे, सेकंड बॉक्स के अंदर हमारे प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स आएंगे और ये हमारे प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स बोल्ड फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी की एट्रीब्यूट था मेरा एम्प्लॉय नंबर, और जो नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स होंगे उनको हम थर्ड इसके अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जॉब है, सैलरी है, ई नेम है, इस तरीके से हम इनको लिखेंगे और इनके आगे इनकी डेटा टाइप्स आ जाएंगी। जैसे एम्प्लॉय नंबर, जो भी डेटा टाइप्स होंगी वो आप डेटा टाइप्स इसके अंदर शो कराएं या ना कराएं। तो इस तरीके से इसने कहा कि आप इनको इस तरह से लिखेंगे। और नंबर सबसे पहले हमारा आ जाएगा नेम ऑफ एंटिटी, उसके बाद हमारी आ जाएगी प्राइमरी की, और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे नॉर्मल एट्रीब्यूट्स। और इसने कहा कि जो हमारा नॉटनल एट्रीब्यूट होगा, फॉर एग्जांपल, अगर कोई एट्रीब्यूट इनमें से नॉटनल है, उसमें नॉटनल का कंस्टेंट लगा हुआ है, तो उसको हम बोल्ड कर देंगे, यानी वो बोल्ड में लिखा जाएगा हमारे पास जो भी हमारा नॉटनल एट्रीब्यूट होगा।
उसको हम बोल्ड करके लिख देंगे जिस तरीके से भी। तो इस तरीके से इसने कहा, और फिर इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस ये था रिलेशनशिप के हवाले से कि अगर दो के दरमियान आपस में रिलेशनशिप है तो वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप किस तरह शो होगा, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप किस तरह शो होगा, ये जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे होंगे तो ये इंशाल्लाह उसमें कवर कर लेंगे। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसने कहा था कि हम वन टू मैनी का जो रिलेशनशिप होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये दो हमारे पास ऐसे एंटिटीज़ हैं, इसको मैं अभी कोई नाम नहीं दे रहा, एक्स वाई जेड एंटिटी है और यहाँ पे कोई ए बी सी के नाम से एट्रीब्यूट है। अब इस एम्प्लॉय नंबर का और इसके दरमियान प्राइमरी फॉरेन की रिलेशन है, तो इसने कहा था कि हम रिलेशनशिप को इस तरीके से शो करेंगे, और अगर वन टू मैनी का रिलेशन है तो यहाँ पे वन लिख देंगे और मैनी के लिए हम क्रॉस फुट का यूज़ करेंगे, क्रॉस फुट बना देंगे, तो ये शो करेगा वन टू मैनी का रिलेशनशिप, और इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। अगर वन टू वन का रिलेशनशिप है तो वन लिख देंगे यहाँ पे भी क्रॉस फुट हटा के, सिंपल इस लाइन को ला के वन लिख देंगे, वन टू वन का रिलेशनशिप, वन टू मैनी का रिलेशनशिप, और अगर मैनी टू मैनी का है तो दोनों साइड पे हम क्रॉस फुट का यूज़ कर देंगे। इस वजह से ही इस मॉडल को जो है वो क्रॉस फुट कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्रॉस फुट का साइन यूज़ हो रहा होता है। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हमने पीटरसन और क्रॉस फुट मॉडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हमारे आगे वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।